Viewfinder, fresh perspectives through the lens of local filmmakers around the globe. में ना जब मेरे ऊपर अटैक हुआ था तो एक शुरुआत थी, तो मैं मतलब अटैक के बाद बस मैं भी सिर्फ लिखती थी, सिर्फ लिखती थी। तो मेरी डायरी जिसमें मैं लिखती थी, मुझे अच्छा लगता है कि मतलब मन की बात हम ऐसे ही बहुत ऐसे इस तरीके से बहुत अच्छे से जाहिर कर सकते हैं। जो भी हमारे मन में जो भी बात हो ना, हम इस तरीके से जाहिर कर सकते हैं। यही मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है ब्लैक रोज़ का भी। एक लेटर लिखने से बहुत कुछ चेंज हो सकता है। हेलो, कहाँ हो? छाँव में नहीं हूँ अभी। मेरे लिए ब्लैक रोज़ कैंपेन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस साल में वो लड़का बाहर आने वाला है जेल से। अब वो सज़ा उनकी पूरी होने वाली है और उसके बाद जब वो बाहर आएंगे तो बहुत सारे मेरे मन में भी सवाल है कि मतलब उनके मन में क्या चल रहा होगा। जैसे आप लोगों के मन में सवाल है कि हम भी उनसे पूछें कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो मेरे मन में भी ये सवाल है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया जो इतने बड़े बड़े प्यार के दावे कर रहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये है वो है। उसके थोड़ी देर के बाद उसको इतनी तेज़ गुस्सा आया कि उसने ऐसा सोच लिया कि मेरी ज़िंदगी ही बर्बाद कर दी उसने। उस इंसान के लिए लिखना बहुत ज़रूरी है और उन्हें बताना बहुत ज़रूरी है कि उनके वजह से मेरी लाइफ में कितना कुछ हुआ है। क्या होता है चिट्ठी लिखने से? 2 साल पहले मेरी भतीजी का बर्थडे था, उस दिन मैंने स्नैप कराई और मैं रेड कलर का टॉप लेके फर्स्ट टाइम रेड कलर का टॉप वाला था। हाँ, ये वाला मेरे साथ रेड कलर पे अटैक हुआ आज के एक हफ्ते बाद। उस दिन के बाद है ना, मैं आज तक भी रेड कलर नहीं पहनती और मेरे को इतना अच्छा लगता है रेड कलर। ये बात बिल्कुल जायज लगती है कि आपको बहुत कष्ट मिला है। ब्लैक रोज का आइडिया ये था कि अगर हमारे मन में कोई गुस्सा है, हमारे मन में कोई नफरत है, हमारे मन में कोई परेशानी है, तो वो हम उससे कह दें। कहने का तरीका ये हो सकता है कि हम उसको एक लेटर लिख के उसको एक लेटर दे दें कि भाई ये हम तुम्हारे बारे में सोचते हैं। चिट्ठी लिखने से बस मुझे तो पता नहीं क्या मतलब क्या है क्या नहीं। भैया ये बता दे कितने की है? ये 86 रुपए मीटर है। मतलब मुझे चाहिए 1 मीटर और थोड़ा सा कम कर लेना भैया, क्योंकि ना मुझे और सामान भी लेना है। क्लियर, मेरी फ्रेंड है एक रितु नाम की, तो जब से उस पर एसिड अटैक हुआ ना, उसके बाद ना उसने ना लाल रंग का कपड़ा ही पहनना छोड़ दिया और मैं चाहती हूँ मैं अपनी तरफ से एक ड्रेस बना के उसे गिफ्ट करूँ और जो उसके मन में इस लाल रंग को लेकर जो डर है ना, वो बाहर निकले। पता नहीं कहाँ से शुरू करूंगी और कहाँ खत्म करूंगी। उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने है इस वक्त में। मैं डायरेक्ट लेटर लिख रही हूँ लेकिन मैं नाम नहीं लिखूंगी। पता नहीं क्यों उस नाम वो जो नाम है मेरे लिए इतना पेनफुल क्यों है।
को बिलीव नहीं होता कि अब 2 साल हो जाएंगे 26 को, अभी तो 4 दिन बाकी हैं। जब इनके ऊपर अचानक से हाथ लगता है ना, ऐसा लगता है जैसे कांटे लग रहे हैं, तो दर्द होता है। मैं कभी मिरर में देखती ना, ज़्यादा नहीं देखती हूँ, देखती तो हूँ ही, कभी कभी फेस देख के ऐसा लगता है नहीं रितु ठीक हो जाएगा, कभी कभी ऐसा लगता है नहीं हो पाएगा। उसने क्यों किया मेरे साथ ऐसा, इससे अच्छा गोली से मारता तो बेटर था, एक बारी में जान चली जाती छूटती। और उसको, उस बंदे को चिट्ठी लिख के कहने से मन हल्का होगा। जब मैंने होश संभाला था तो मेरे मन में था कि मैं सिलाई सीखूं, लेकिन फिर जब मेरे साथ ये अटैक होगा ना, और ज़्यादा मन में होने लगा कि मैं नहीं, अब मुझे सिलाई सीखनी चाहिए, सिलाई करनी चाहिए अच्छे से अच्छी, जितनी अच्छी सिलाई करूँगी ना मैं करना चाहती हूँ, सिलाई करूँ, आगे बढ़ूँ, अपने पैरों पर खड़ी हूँ, तो मैं वही करने जा रही हूँ, मेरा पहला कदम है। ये ना धोखे डाला हुआ था, वहाँ से उतार के लेके आई हूँ चुपके से, ताकि इसको इस बारे में पता ना चले। तो मैं चाहती हूँ जब उसके साथ ही अटैक हुआ था ना, मैं उस दिन ये ड्रेस उसे गिफ्ट करूँ और उसे खुशी हो ये ड्रेस जब दूँ मैं उसे। आज से 4 दिन बाद ना वही तारीख आने वाली है। मेरे ऑपरेशन भी हुए हैं, 12 ऑपरेशन मेरे खुद के हो चुके, और मतलब मुंह भी ठीक हो जाएगा, अभी तो टाँके, जब टाँके खुलेंगे तो अच्छा है, और मतलब धीरे धीरे खाओ सब ठीक हो जाएंगे, अपने आप ही मुंह खुलने लग जाएगा। अब ये तो खा पाती पहले, इससे करना नहीं कर पाती थी, गर्दन का ऑपरेशन हुआ तब खाने लगी, इतना तो ठीक हो जाएगा। हमें इतना पेन होता तो उनको भी तो कुछ होना चाहिए। जितना लेट जाएंगे ना इतनी भीड़ लगेगी, ये ना वो ओटी में मिलता है। हाँ वही तो, क्योंकि ऑपरेशन का टाइम हो जाता है ना। कितने लोग चाय बनाए? 2 लोग ही? सभी लोग बना दे, सब लोग बना देते हैं। चलो। अरे चीनी पत्ती तो डालिए पहले। अब दूध को पका लेना पहले। अच्छा। क्या बात क्या करनी है? ब्लैक रोज कैंपेन के बारे में। क्या? जैसे ही कोई नाम सामने आता है, जैसे कुछ होता है, वही चीज वापस दोहराई जाती है, वही चीज। कभी इसलिए मैं नाम नहीं लेती कि मैं अपनी स्टोरी बताती हूँ, बट लेकिन मैं पता नहीं क्यों जैसे ही नाम लूंगी ना ऐसा लगेगा सामने खड़ा है
एसिड फेंक रहा है, उसके नाम के बारे में बात हो रही है तो मेरी फीलिंग चेंज हो रही है, मुझे अजीब फील हो रहा है, पता नहीं क्यों। पागल हो गए एकदम। ऐसा लगता है कि नाम लेते ही ना वो बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट सामने आ जाएगा और उसका चेहरा मेरे सामने आ जाता है। और फिर क्या होता है? अजीब होता है कि क्या? बिल्कुल अजीब सा होता है, मन खराब हो जाता है एकदम, मन मुंह का स्वाद खराब, पता नहीं क्यों एकदम एकदम कड़वाहट पन आती है मुंह के अंदर बिल्कुल, और बहुत मन भी ना दिल भी अपने उसमें नहीं रहता, बहुत अजीब सा लगता है, पता नहीं। तो वो कड़वाहट सिर्फ आपके शरीर के अंदर है ना? हाँ, वो ठीक हो जाएगी। पता है बाबू, इतना कुछ, इतना जब बुरा कोई भी करता है ना तो कड़वाहट तो हो जाती है इस तरह की। पर ये पता है, इसको लेके परेशान नहीं हूँ, मुझे मैं इसलिए इस चीज़ को ना उतना उतना परेशानी से नहीं देखता है, क्योंकि ना ये तो समय के साथ ही ठीक होगा। मतलब आपके साथ कुछ भी हादसा होता है ना, जैसे ये भी ना, ये घाव बहुत समय बाद बदल गए ना, अब जाके ऐसे हुए हैं कि इनमें ऐसे छू लो तो भी कुछ नहीं होता है, पर आज के 4-5 साल पहले इन्हें ऐसे छू भी दो तो डर लगता होगा ना कि कहीं फूट ना जाए, वो ना हो जाए, है ना। धीरे धीरे समय सही हुआ ना, ये जिंदगी में भी वैसा ही है यार। उसी तरी उनका नाम भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा घाव है। मैंने बचपन से ना अपनी मम्मी को नहीं देखा था, मैं जब नानी के यहाँ गई थी ना बड़ी होके, तब मैंने उनका फोटो देखा था। उस समय में बहुत मतलब ठीक थी, अच्छी थी, तो सब लोग बोलते थे कि बिल्कुल अपनी मम्मी के जैसी है। जीने की एक उम्मीद भी थी कि कोई बात नहीं, मतलब कोई नहीं है, कम से कम मेरा चेहरा तो है मेरी मम्मी का मेरे पास। जब उन्होंने मेरे साथ ये किया था ना, जब मेरे पर तेजाब डाला था, तो एक मन कर रहा था कि सबको मार डालूं। मतलब जो मेरी दूसरी मम्मी है जिसने मेरे साथ ऐसे अटैक किया, तो मैं नहीं चाहती कि मतलब पता नहीं क्यों मैं उनको देखना भी नहीं चाहती, उनसे बात करना भी नहीं चाहती। मैं हूँ बस ये है कि मैं खुश रहूँ बस, मैं नहीं चाहती कि वो बातें ना सब कुछ फिर याद आए या कुछ ऐसा हो। उसके लिए नहीं है मेरा मन बिल्कुल भी। मैं कितने भी बुलाने की कोशिश कर लूं, कल वो दिन याद आ रहा तो और कुछ याद ही नहीं आ रहा, वो उसी के बारे में सोच जा रही हूं। मैं 17 साल की थी जब मेरे ऊपर अटैक हुआ। मैं अटैक से पहले बड़ी मस्ती करती थी, स्कूल जाती थी, फिर स्कूल से आने के बाद मैं खेलने जाती थी। अटैक के बाद मेरे स्कूल भी छूट गया और खेलना भी। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तेजाब डालने से कितना दर्द होता है? मेरे घर वालों को तुम पर इतना गुस्सा है कि कभी तुम बाहर दिखोगे तो तुम्हें मार डालेंगे। गुस्सा तो मुझे भी आता है तुम पर बहुत, पर मैं ये सोचती हूँ कि क्या तुम इस लेटर को पढ़कर और जेल में सजा काट कर दोबारा मेरे को या किसी और के साथ तुम ऐसा करो। सिलने के बाद तो बहुत अच्छा लग रहा है, और मतलब मुझे खुशी भी बहुत हो रही है ये पूरा हो गया। पता नहीं देखो पहनने के बाद उसे कैसे लगेगा। मैंने पहली बार बनाया किसी, मतलब बड़ा साइज भी पहली बार बनाया
और किसी और के लिए भी पहली बार बनाया है, क्योंकि मैंने सीखा है ना जो कुछ, मैंने अभी छोटे में इतना छोटे में ही सीखा है, बड़े में इतना कुछ नहीं सीखा अभी, तो मैं वही देख रही हूँ मतलब अच्छा कितना लग रहा है और मतलब सिल भी गया है अच्छा। नौ साल हो गए मेरे अटैक को, मुझे ये भी नहीं मालूम मैंने आखिरी वक्त उसका कब नाम लिया होगा। कोर्ट में वो जो डॉक्यूमेंट्स जाते हैं ठीक मेरे नाम के साथ साथ उसका नाम होता है, और जब वहाँ पे नाम लिया जाता है तो मेरे दिल के अंदर बहुत तेज वाइब्रेट होती है, बहुत तेज, कि क्यों मेरा नाम उसके नाम के साथ जोड़ा गया है, किस लिए। लेकिन मैं ये चीज़ भी देखती हूँ कि पहले मेरा नाम आता है बाद में उसका नाम आता है, मैं ये चीज़ भी देखती हूँ कि पहले मेरा नाम आता है और उसके बाद उसका नाम आता है। तो ठीक है, उसके दो नाम है और मैं ज़रूर अब मैं चाहूँगी कि मैं सच में उसका नाम लूँ। उसके दो नाम है, जब कोर्ट में जब उसका नाम लिया जाता है लक्ष्मी कहा जाता है, और उसके बाद अजीब लग रहा है, पता नहीं क्या होगा इसके बाद, मुझे नहीं पता, लक्ष्मी कहा जाता है और उसके बाद तुरंत कहा जाता है नईम खान उर्फ गुड्डू, उसका दो नाम है। खाना ले, खा तो ले, और क्या खाऊंगी, और चाय पी थी, देख मेरे को बहुत भूख लग रही है, जल्दी खा लेना। अब तो मेरा मन नहीं है बिल्कुल भी, थोड़ा सा खा रही है, नहीं खा रही है तो खा के ना कड़वा लग रहा है मुझे, सच्ची बोल रही हूं, मुंह कड़वा लग रहा है। हाँ। क्यों पता नहीं, कहां जाएगी हैं, कहाँ जाएगी बताना, अभी तो बोल रही थी ऐसे लेट रहेगी तो फिर किसी का भी मन नहीं लगेगा, तेरा भी नहीं लगेगा, हमारा भी नहीं लगेगा, किसी का भी नहीं लगेगा। पर ना सच्ची बताऊँ, मुझे ना जिस दिन अटैक हुआ था ना उस दिन वो बातें याद नहीं आती, अटैक के बाद दो बार तो याद रहा है, उसके बाद तो मुझे मतलब फिर मेरा भी दूसरा ही साल है ना, धीरे धीरे करके भूल जाऊंगी। वही माइंड में बातें घूम रही, और कुछ आ ही नहीं रहा कि आज मेरे साथ ऐसा हुआ, रीजन क्यों हुआ। आपने मुझे एक तरफा प्यार किया, दावे किए, और उसके बाद क्या किया, तेजाब डाल दिया, सिर्फ ये सोच के मेरी सुंदरता खत्म हो जाए और मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, मेरी ज़िंदगी में कोई ना आ पाए। आज भी मैं बहुत सुंदर हूँ, मेरी ज़िंदगी में भी बहुत अच्छा इंसान आया। आप ये मत समझिएगा कि मैं आपसे डरती हूँ, मैं आपसे क्या डरूँ, आपने मेरे मन से सारा डर ख़त्म कर दिया। अब तो मैं हर बात बोलती हूँ, अपने हक के लिए बोलती हूँ। 2022 को मैं इस जगह से आ रही थी, और वो दोनों, वो लड़का और उनके भाई की गर्लफ्रेंड, दोनों बाइक पे, वो इसी साइड से आ रहे थे। ये वो स्पॉट है जहाँ पे मेरे ऊपर एसिड अटैक हुआ था, और मैं यहीं तक आई थी, मेरे फेस पे हाथ रखा गया, मुझे ज़मीन पे धक्का मारा, ग्लास में एसिड लेके आए थे, मेरे फेस में डाला,
और उसके बाद जब मैंने धीरे से, मुझे कुछ भी नहीं मालूम कि क्या हुआ, जब मैं अपने आप को थोड़ा सा आँख खोल के देखा तो मेरी स्किन टपक रही थी ज़मीन पे और कोई मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था। और मैं आज यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आई हूँ और मैं सच में ये जगह मैं कभी नहीं भूल सकती, मेरे लिए बहुत पेनफुल है ये जगह। ये जो ये पेड़ है ना, ये पेड़ मतलब एकदम बहुत बुरी तरीके से जल गया, बट ये अभी भी है। मुझे तो ये अच्छा लग रहा है कि ये पेड़ अभी तक है। यही टाइम था, अच्छा मैं तेरे को एक गिफ्ट दूँ, हैं? अच्छा ले। बहुत सुंदर है। वाओ, थैंक यू। अच्छा लग रहा है? हाँ। ये पहली ड्रेस है जो मैंने किसी को अपने हाथ से बना के गिफ्ट करी है। मैंने अभी खुद के लिए भी नहीं सिली। बहुत सुंदर। चलो अभी से पहन के लेगा। मैंने उस दिन भी रेड कलर ही पहना था। बहुत अच्छी है। मतलब 2 साल पहले ये दिन कैसा था और आज कैसा है, बहुत अच्छा लग रहा है। रेड में तो जादू ही अलग होता है। इतने पैसे ड्रेस ली है तो मेरे आएगी भी नहीं, अगर मैं पहनने की कोशिश करूंगी तो मैं दूंगी नहीं अब तुम्हें। क्यों? मेरी है, मेरी रहेगी। अच्छा ये देख लो, बहुत अच्छी लग रही है। यार से मैं कुछ करना चाहती हूँ स्टार्क, कुछ भी आज से। देखो रेड कलर की पतंग उड़ रही है। अरे वाह, सही में। और तो रेड रेड कलर है ना। हाँ, फेक कलर पता है, बस कंधा कवा दिए। जब लड़के लग जाते हैं ना ऐसे देखते हैं, गुर गुर क्या क्या देख रहे हैं। कभी कोई लड़की देखी है? मेरे बाल देख कितने कितने अच्छे से हो रहे हैं। हाँ। मेरे देखो ना। बस ये तो अपने आप ही लगी बड़ी रहती है। चैन पेज हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। सबके मन से डर निकला है बहुत सारी चीज़ों की वजह से, और मैंने कहीं नहीं देखा कि मेरी जितनी दोस्त है, मैं और हमारी पूरी जितना भी हमारा जो कैंपेन है सक्सेस रहे हैं उसको आगे बढ़ने में। मतलब एक दूसरे से बहुत बहुत हौसला मिलता है हम लोगों को। हाँ, यस, एडी।